Hello friends, good morning to one and all who are watching this video, wherever you are in this planet, okay? In this class, मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जब आप पहले कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तो पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऐसे बहुत कुछ क्लासिफिकेशन आपने जिंदगी में पढ़ा हुआ है, पढ़ाई मैंने। जो मैं आज जो क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, यू विल लिटिल सरप्राइज फर्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स। आप जो जिस उम्र में अभी हो, आप जितने स्टूडेंट्स, आपका भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए या है, वो क्लासिफिकेशन क्या है, दिस इज इंटरेस्टिंग। आप इस वीडियो को आखिर तक देखना और यू विल एंजॉय एंड यू विल सी दैट इन व्हिच कैटेगरी यू आर फॉलिंग और यू बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी, ठीक है बच्चों? ऐसा है, स्टूडेंट को हम पांच कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर वन, अगर हम उसको ए ग्रेड मान लेते हैं या ग्रुप ए, तो उसमें कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? आप देखे होंगे जब क्लास चल रहा होता है, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक टीचर आए हैं क्लास में और वो पढ़ा रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता मैया साथ जाके सरयू नदी के ऊपर, जब वो नाव पे बैठते हैं तब नाव वाला उस जब नाव बहाता है वो कुछ बातें करता है, ऐसे बोल रहे हैं एक स्टोरी। कौन बोल रहे हैं? टीचर इज टेलिंग दिस स्टोरी इन योर क्लास। जब इस स्टोरी बोल रहे हैं तो आप देखे होंगे आप में से कुछ बचे, फिर द टीचर विल बी टेलिंग दिस स्टोरी, वो तो बिल्कुल अटेंटिवली सुन रहे होंगे और उसके साथ साथ उनके दिमाग में वो स्टोरी का रियल पिक्चर विल बी कमिंग, यानी उनके दिमाग में स्टोरी सुनते वक्त उनके दिमाग में लगता है यार ऐसा नदी है, सरयू नदी ऐसा है, सुंदर नदी है, उसके ऊपर नाव जा रहा है, उसके ऊपर भगवान राम और लक्ष्मण और मैया सीता भी बैठे हुए हैं और वो धीवर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कुछ बातें कर रहा है ना। तो बाय द साइड यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, दैट इज बींग पिक्चराइज्ड इन ए प्रैक्टिकल सीनरी इन हिज माइंड। तो वो बच्चों बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है और उनका जो आउटपुट है इन स्टडी, जो मार्क रखते हैं वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। उनको बोलते हैं अटेंटिव लिसनर विथ कोरिलेट थिंकिंग। वो बहुत अटेंटिव होते हैं, लिसनिंग करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं या कुछ भी सुनते हैं, वेरी अटेंटिव लिसनर विथ दैट ही कोरिलेट्स। ऐसा भी वो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जो हम उनको अगर एक ग्रुप मानते हैं, अगर वो कभी गाना भी सुनते होंगे, गीत भी सुनते होंगे, अगर कोई दुख का गीत सुनते हैं तो वो दुख रियलाइज करते होंगे ना, तो ही विल बी रियलाइजिंग इन हिज माइंड द एक्चुअल सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग। सपोज मान लीजिए एक लवर, उसका लवर से बिछड़ गया है, तो वहाँ जो गीत होती है, सैड सॉन्ग होता है, वो सैड सॉन्ग जब चलता है वो भी उसको अपना रियल लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं। गाना सुनते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं और उसको पिक्चराइज अपने मन में करते हैं। दो स्टूडेंट्स बिलोंग टू द टॉप कैटेगरी, दैट इज ग्रुप ए वी कैन टेल, और वो स्टडी में बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छा मार्क लाते हैं। सभी का एबव 80% जरूर रहता है, उसमें कोई नो डाउट, देर इज नो डाउट, क्योंकि वो कोरिलेट कर सकते हैं या करते हैं, जो भी वो पढ़ते हैं वो तो अटेंटिवली सुनते हैं, कोरिलेट करते हैं, उनका अच्छी तरह याद रह जाता है। ये हो गया ग्रुप ए का। अब दूसरा ग्रुप के स्टूडेंट्स का हम बात करते हैं, जो होते हैं अटेंटिव लिसनर बट नॉट कोरिलेट थिंकर। सो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं बट अटेंटिवली सुनते हैं, टीचर जो बोलते हैं बिल्कुल मन ध्यान लगा के सुनते हैं। वो भी बच्चे अच्छे हैं, उनका भी अच्छा मार्क्स आता है, लेकिन उतना मार्क ज़्यादा नहीं जा पाता है, ये बच्चे रट देते हैं, जो सुनते हैं उसको बिल्कुल दिमाग में रट देते हैं, याद रह जाता है। समझ गए आप? बिल्कुल अटेंटिवली सुनते हैं क्लास में, टीचर क्या बोल रहे हैं उसको सुन के याद रखते हैं और एग्जाम में लिखते हैं, और दे ऑल्सो ब्रिंग्स स्कोर्स वेरी हाई मार्क्स, बट दे फॉल्स बिलो देम, जो
फोर लीड थिंकर्स होते हैं उनके नीचे उनका मार्क्स रहता है। अब तीसरा कैटेगरी क्या है, फिकल लिसनर। फिकल, उनका माइंड कभी स्थिर नहीं रहता है, वो बचपन से ही पैदाइशी है वो, उनके दिमाग में आप में से किसी बच्चे भी अनुभव करते होंगे, आपका दिमाग कभी एक स्टैग्नेंट में नहीं रहता है, एक जगह पे नहीं रहता, भटकता रहता है ना। तो आप क्लास में बैठे होंगे, सर पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट सर के पढ़ाई के पर ध्यान चला गया, फिर 5 मिनट भटक गया, आप समझ रहे हैं, फिर 5 मिनट भटक गया, कहाँ भटक गया, घर को तरफ चला गया, अपने दोस्त के तरफ चला गया, फिल्म के तरफ चला गया, या अपने आप जो काम करते हो उसकी तरफ चला गया, फिर 5 मिनट में वापस आ गया क्लास में। तो उसको बोलते हैं फिकल लिसनर। ये फिकल लिसनर दो तरह के होते हैं, कैसे दो तरह करते हैं, एक फिकल लिसनर जो 5 मिनट सुनते हैं उसको अच्छी तरह याद रख लेते हैं, उनका जो दैट इज रिमेम्बरिंग कैपेसिटी वेरी हाई, वो बहुत 5 मिनट में बहुत याद रख लेते हैं, वो 5 मिनट का बात याद रख लेते हैं, लेकिन वो 5 मिनट का याद नहीं रख पाते, क्योंकि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये ऐसा है जैसे फिल्म, अगर फिल्म में आप 5 मिनट मान लीजिए थोड़ा सा आपका आंख बंद हो गया, उस वक्त हीरोइन को कोई मार दिया, मान लीजिए हीरोइन उसमें मर गया, उसको कोई मर्डर कर दिया, तो जब आपका आंख खुलेगी तो आप ढूंढोगे यार हीरोइन कहाँ गई, तो यू कैन फाइंड नो, तो आपको फिर बार बार सोचना पड़ता है, वही होता है उनके साथ, क्योंकि वो जब 5 मिनट अपना दिमाग खिसका लेते हैं दूसरे तरफ, तो फिर समझ नहीं पाते हैं, हटी झाट नहीं रियलिटी। तो दो कैटेगरी हो गई, एक हाई रिमेम्बरिंग पर कैपेसिटी और दूसरा जो लो रिमेम्बरिंग का, तो कितने हो गए, दो ग्रुप, एक दो चार हो गए, और ये जो हाई रिमेम्बरिंग कैपेसिटी उनका 60 फर्स्ट क्लास तो हो जाता है, 50-60% रखते हैं, और जो लो रिमेम्बरिंग कैपेसिटी का है उनका 40-50% करीब मार्क रहता है। ये बिल्कुल दिस इज रियलिटी, इसमें कोई दोरा बात नहीं है, ठीक है ना। और एक कैटेगरी, चार कैटेगरी हो गए, और एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो डाइवर्टेड थिंकर्स होते हैं। डाइवर्टेड थिंकर्स का मतलब क्या है, क्लास में बढ़ते हैं, साइंस क्लास में सर पढ़ा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शन सर बिल्कुल बता रहे हैं, या केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन बता रहे हैं, बोल रहे हैं इन्हें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले गया, लेकिन वो बच्चा क्या सोचता होगा, यार क्या शॉट लगाया एमएस धोनी ने कल का गेम में, क्या हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था, क्या विराट कोहली सेंचुरी मारा था, ओह वो पिक्चर में क्या एक्शन किया है दीपिका पादुकोण ने, कितना ब्यूटीफुल है वो, उसमें बिल्कुल डूबा रहता है, या अपने लवर के बारे में सोच के वो डूबा रहता है। तो वो बच्चों बिल्कुल वो ही फेल्स टू स्कोर द सक्सेस मार्क्स, यानी मार्क्स सक्सेस होने के लिए जितना चाहिए वो भी नहीं रख पाते, लेकिन वो बच्चों को हम खराब नहीं बोल सकते, किसी भी बच्चे खराब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप मार्क्स ज्यादा रखते हो जिंदगी में आप बड़ा आदमी बन जाओगे, अच्छा आदमी बन जाओगे, महान आदमी बन जाओगे, दैट इज ए रॉन्ग फेनोमेना, यू शुड नेवर इन दिस माइंड, ओके, इन योर माइंड। अगर अच्छे पढ़ते हो तो अच्छे आदमी बनोगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, या बहुत अच्छे पढ़ते हो तो बहुत पैसा भी कमाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे, वो भी रॉन्ग है। वो जो डाइवर्टेड थिंकर्स हैं उनमें से बहुत से बच्चे अच्छे निकलते हैं, ब्रिलियंट निकलते हैं दूसरे डायरेक्शन में, कोई गेम में, कोई पॉलिटिकल करियर में, कोई बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि वो फ्री थिंकर्स, वो अपने ज़िंदगी जीते हैं, खुशी से जीते हैं, वो आनंद में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है हम जान पूछ के करें ना, अगर वही बच्चे उनका जो फ्री थिंकिंग है अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे दें और पढ़ाई में ध्यान दे दें और ऊपर लेवल के लिए ग्रुप ए लेवल के लिए सोचें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो 5 ग्रुप हो गए, अभी आप अपने आप को इंटरवेन करिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप देखिए आप कौन से ग्रुप में आते हो, अगर आप ए में आते हो या बी में आते हो या सी में या डी में या ई में जो आते हो, यू कैन अपग्रेड यूर सेल्फ, क्योंकि प्रैक्टिस इज सच ए हैबिट और सच ए थिंग इन योर लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली इन ह्यूमन लाइफ, इन एवरी लिविंग बॉडी लाइफ, दे कैन डू द इम्पॉसिबल आज पॉसिबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे कुछ भी चीज़ हो तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसी बात से मैं आपको ये सारे स्टूडेंट्स, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सारे भारत में जितने देखते हैं इस क्लास को, वो हमेशा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को पहले सोचिए क्लास में बैठ के, यार मैं कौन सा ग्रुप में आ रहा हूँ, बाकी मैं ई में हूँ, डी में हूँ या सी में हूँ या बी में हूँ ए में हूँ, अगर आप उसी किसी में हो तो यू कैन ऑपरेट योर सेल्फ, और ऑपरेट करोगे
तो आप देखना आपका सक्सेस जरूर बढ़ जाएगा। और आप ये में हो कि अगर फ्री थिंकर्स हो, आपको लगता है यार पढ़ाई ठीक नहीं, मैं कुछ दूसरा सोचूं, तो अगर सोचते हो तो यू शुड थिंक इन सच वे दैट यू जस्ट डू मिरेकली जस्ट चेंज द वर्ल्ड। ऐसा सोचिए मंगल, ये विश्व का ऐसा मंगल सोचिए, ऐसा एक मानव कल्याण के लिए सोचिए, देखिए आपको भी दुनिया याद रखेगा ना। तो इसी बात से हम इसी क्लास को ख़त्म करते हैं, और मेरे को लग रहा है आप जरूर इस क्लास से आपको लगेगा नहीं बाकी आपका जीवन और उन्नत होगा, और आप अपने जीवन में यू कैन राइज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर बताइए, और हमारा जो केमिस्ट्री क्लास है सभी को बताइए, हम हर क्लास में छोटा छोटा आपको बताएंगे हाउ टू एनरिच योर लाइफ। ओके।